तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइवेट शेयर ऐप के बारे में। आप बोल सकते हैं प्राइवेट शेयर एक सेटिंग के नए अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। क्या ये नया अपडेट है और क्या ये प्राइवेट शेयर वाला फीचर काम करता है, इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो जैसा कि होता है, मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेट शेयर सेटिंग के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए पहले जाना है आपको यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाएंगे, नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेट शेयर। प्राइवेट शेयर अपने नाम की तरह ही काम करता है, ये प्राइवेट शेयरिंग के लिए काम करता है और इससे आप प्राइवेट में अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, जो कि आप पर्टिकुलर बंदे को ही जाएगा जिसको आप भेज रहे हैं, और वो एक स्पेसिफिक टाइम तक रहेगा जो कि आपने सेट कर रखा है। मान लो अगर आपने किसी को फोटो सेंड करी, आपने उस पर डाल दिया कि उसमें डाल दिया 1 डे तक या 24 आवर्स या 1 आवर्स, तो सिर्फ उतने टाइम तक ही उसको विजिबल रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ अबाउट में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको लेटेस्ट बता रहा है। बट अगर आपको यहाँ जाना हो गैलेक्सी स्टोर में, गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको नया अपडेट मिल रहा होगा प्राइवेट शेयर के अंदर। आप देख सकते हैं ये नया अपडेट आपको अवेलेबल मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इस फीचर का मेनली काम ऐसा ही है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली शेयर आउट कर सकते हैं, लाइक शेयर शीट्स आप डायरेक्ट नंबर पे देख शेयर कर सकते हैं, इमेज शेयर कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट जैसे कि सर ने बताया, और उस एक्सपायरी डेट को चेंज आउट भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अब जब भी आप इसके थ्रू फोटोज़ भेजेंगे इस अपडेट के बाद, तो आपका वाटर मार्क वहाँ पर डिस्प्ले होगा। कैसे, वो सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 1.2 मतलब इस अपडेट का वर्जन है 1.2.0.0.31, जिसको रोल आउट किया गया 6 मार्च के टाइम, और इसका अपडेट साइज है 17 MB का। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी नरेशन भी लिखी हुई है, ये काम क्या करता है। यूज प्राइवेट शेयर फीचर, यू कैन शेयर फाइल्स, सर्च फोटोज, वीडियो, रीडिंग, रिकॉर्डिंग फाइल्स एंड टेक्स्ट। देयर आर टू वे टू प्राइवेट शेयर फीचर, गो टू बाय, डायरेक्ट आप सेटिंग से भी जाके शेयर कर सकते हैं, और गैलरी ऐप या कहीं भी जाके डायरेक्ट ऐड टू प्राइवेट शेयर पे भी जाके शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप 20 फाइल्स और टोटल 200 MB की फाइल यहाँ पर सेंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यू कैन कस्टमाइज फाइल रीडिंग पीरियड फ्रॉम 1 मिनट टू 180 मिनट्स, और ये सब चीज़ें आप यहाँ पर आउट कर सकते हैं। अब पहले तो कर लेता हूँ मैं अपडेट, और एक्चुअल में कैसे वर्क करता है वो आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों फाइनली हो चुका है अपडेट। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो नया फीचर एड ऑन किया गया है, अप्लाइड वाटर मार्क फॉर रिसीव फाइल्स, कि जब भी आप कोई फाइल रिसीव करेंगे या फिर जब भी सेंड करेंगे, सामने वाला रिसीव करेगा, वहाँ पर वाटर मार्क अप्लाई हो जाएगा। और अब यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 फाइल को और 200 MB तक की फाइल को यहाँ पर सेंड आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वर्क कैसे करेगा आपको ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपने उसको ओपन कर लिया, यहाँ पर आपको किसी को सेंड करना है तो यहाँ पर प्लस में क्लिक करो, इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, जो भी आपको सेंड करना है आपने उस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको भेजना है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कितने टाइम के लिए एक्सपायरी डेट, लाइक अभी फिलहाल 1 डे का आ रहा है, अगर आप उसको कम ज़्यादा करना चाहें यहाँ 0 कर लो, 1 घंटा 2 घंटा, जितना भी देर आपको करना है, लाइक मैंने यहाँ पर 1 घंटे या 2 घंटे के लिए लगा दिया। यहाँ पर आपको जो भी डिवाइस अगर आपने सेंड करी होगी तो वो दिख जाएगी। यहाँ आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट पे शेयर आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पर शेयर आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी है। यहाँ जाने के बाद मुझे सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड पर क्लिक करूँगा, सामने वाले को पूछेगा क्या करना है, सेंड अ टेक्स्ट मैसेज, यूज QR कोड, सेंड वाया, तो आप इसमें से तीनों से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंड टेक्स्ट का मैसेज करेंगे तो वो टेक्स्ट पर ले जाएगा और ऑटोमेटिक सेंड पर चले जाएगा मेल, मैसेज ऐसा शेयर हो जाएगा, आई हैव शेयर फाइल प्राइवेटली विथ यू, चेक देम यूजिंग दिस लिंक। तो ये लिंक पे क्लिक करते ही वो फाइल वहाँ खुल जाएगी जो कि मैंने शेयर करा है। QR करेंगे तो QR कोड पे स्कैन करते ही वो फाइल वहाँ खुल जाएगी। सेंड विथ एन ऐप, आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐप पे भी डायरेक्ट आउट शेयर का आउट कर सकते हैं। ये दो चीज़ यहाँ पर आपको काम करेगी, और जो भी आपने सेंड करा होगा यहाँ पर दिखेगा, जैसा कि उसने अभी तक देखा नहीं है तो यहाँ पर आपको बताएगा कि उनने अभी तक देखा भी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से कैंसिल भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे सेटिंग पे, तो सेटिंग पे ऐड प्राइवेट टू ऐप स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। एक्सपायरी अगर आपको चेंज आउट करनी है तो वो मिल जाएगी, आपके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। रीसेट करना चाहे तो रीसेट आउट कर सकते हैं। तो बस सिंपली इस तरीके से काम करता है, और जो भी आपको कुछ भेजेगा वो आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो यह है प्राइवेट शेयर का फीचर जो कि सैमसंग गैलेक्सी में प्री इंस्टॉल मिलता है। फिलहाल इसमें भी नया ऑप्शन यही दिया है कि जो भी आप रिसीव फाइल करेंगे उसमें आपको वाटरमार्क मिलने वाला है। तो यही था नया अपडेट, दोस्तों थैंक यू। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी तो डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।